डेडली बाइक में भी यहाँ पे बैंड बहुत ज्यादा है भैया। अपन ट्रेन के वहां से कहाँ रहे ला? जाओ आगे जाने इतने पड़ जाओगे। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित लकड़ा है और मैं रांची का रहने वाला हूँ। और आज है सैटरडे और आज डेट है 14 मई और अभी वक्त हो रहा है 7 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, सुबह के नहीं शाम के, मतलब रात होने वाली है। और हमारा प्लान होता है सैटरडे संडे कहीं ना कहीं कुछ धमाका करने का। और आज क्या है कि आज नाइट कैंपिंग होने वाला है फिर से और आज हम जाएंगे अपनी बाइक से और वो मेरे लिए बड़ा अलग वाला फीलिंग है। तो कुछ भैया लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। जैसे आते हैं वो लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। आज का बहुत धमाकेदार होने वाला है और हम लोग पहले जाने वाले थे लेकिन रांची वाले लोग को पता होगा आज का दिन, क्योंकि आज ज़ोरदार बारिश और पूरा घनघोर तूफानी हवा चल रही थी, बस इसी वजह से लेट हो गया। क्योंकि हमेशा का प्लान होता है कि जल्दी निकलना है शाम तक में, लेकिन निकलते निकलते रात हो जाता है। लास्ट टाइम तो 11 बजे निकले थे रात में। और वैसे जंगल पहाड़ खतरनाक जगह में जाते हैं यार, खुद से प्यार ही नहीं किसी को। और सबसे टफ काम यहाँ पे होता है कि अपना लगेज को बांधना पड़ता है, वो सबसे टफ। तो उसमें आधा घंटा लगेगा करीबन, तब तक भैया लोग आ जाएंगे। चलो बने रहो हमारे साथ में, तबाही कराएंगे बहुत आफत वाला, क्योंकि लास्ट टाइम अंधेरा ही था, आज भी अंधेरा है लेकिन आज कराएंगे कुछ तो धुआंधार कराएंगे आपको जोरदार टाइप का। यह है मेरा घर वाला चौक, लोहाड़ी चौक। वेलकम बड़ी। चल काफ़ी लेट हो गया यार। चले रांची छोड़ चुके हम। ओहे बड़े बड़ी साफ हो गया हमारा फ्यूल टॉप अप और हमारे सारे बंदे यहाँ रुके हुए आगे पे। ये है हेलो बैंक भैया। ये हाथी को छोड़ते हैं, अब चीता पकड़ते हैं। ओहो शायद एंगल ठीक नहीं होगा तो मैनेज करना, अब थोड़ा मज़ा लेते हैं स्पोर्ट्स का। तो शायद कहीं यहीं इर्द गिर्द में हमारे भाई बंधु हैं तो हमारी नज़रें उन्हें तलाश कर रही है। आई थिंक कि राइट में होंगे, राइट में है, राइट में ए बड़ी राइट में। तो ये देखो अपने गली गैंग के लौंडे सारे यहाँ हैं। ओह वन एंड ओनली RX 100। अभी वक्त हो गया है 10:30 और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। चलो बॉयज। भाई साहब रात का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है होराब, अभी तक 28 किलोमीटर चल चुके हैं, पता ही नहीं चला। अगर गलती से खाना अगर पैक करा के नहीं आते तो दो दो जगह शादी था भाई, खाना तो खा ही लेते। मिस कर रहा है हिमालयन को बहुत ज़्यादा ना, इतना उड़ाने से पता है मेरा सारा सामान इधर उधर हो जा रहा है। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर शायद से। ओहो मजे, बहुत डेंजर भाई साहब, सुबह में देखोगे हिल जाओगे, इसका अलग ही वाइब है इस जगह का। पता है बाइक पैदल तो चलते बैंड बज ही जाएगा आप लोगों का, लेकिन बाइक में भी यहाँ पे बैंड बज जाता है भैया। ओहो बड़े बड़े पत्थर बनाते हैं रास्ता, चलिए। अरे बाप रे बहुत टफ है भाई, मजाक नहीं है ये, हिमालयन जैसा गाड़ी भी सट जा रहा है इसी जगह पे। तो भाई करीबन हम लोग 4-5 गाड़ी ऊपर आ गया है और 3-4 गाड़ी को दिक्कत हो रहा आने में क्योंकि बहुत ऊपर है। कहानी ये है, अभी वक्त हो रहा है करीबन 1:30 बजा हुआ है और सीन ये है कि सारा सेट हो गया है, लाइटिंग वाइटिंग टेंट वेंट करीबन सारा गाड़ी लाइन बाय लाइन सारा लग चुका है।
अब बस रह गया डिनर करना। तो हमारा डिनर यहाँ पे हो रहा है और टेंट वहाँ है और वहाँ से दूर कुछ ये डाइनिंग टेबल आज का। तो हमारा खाना भी हो गया, अब कल के लिए हमें आज सोना होगा। चलो फिर मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे। हे गुड मॉर्निंग। तो अभी वक्त हो रहा है 4:30 और हम इंतज़ार कर रहे हैं सूरज का। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है बट एक रास्ता दिखाया हमें, वहाँ पे एक गाड़ी निकल गया, अब उसके पीछे अब हम लोग चलते हैं। चलो आते हैं रॉक करके। ओहो ओहो ओए मजे। ओ यही दिखा हमें रास्ता। अरे भाई ये तो रास्ता खत्म है, ढूंढते हैं रास्ता उधर से। चल तो नहीं है, नहीं है, फंस जाएंगे। तो अब हम लोग इस वाले पहाड़ के आगे जाते हैं क्योंकि पता नहीं चल रहा है यहाँ से और रास्ता एकदम है ही नहीं। वैसा सीन रहता तो शायद जाया जा सकता था, देख लो रास्ता एकदम हिच नहीं है। आ जाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत बल्कि मुश्किल है। मुश्किल है ब्रो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। छोड़ दो इसको। आरएक्स को यहाँ छोड़ रहे हैं, आरएक्स भी यार नीचे परेशान है। हाँ चढ़ जाता है, यहाँ पे दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, चढ़ जाएगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बस सनराइज छूट जाएगा। हुआ नहीं है सनराइज, बस बढ़ रहे हैं कि कहीं तो मिल जाए वो। यहाँ तो हेवी हो सकता है, अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो सारी इधर हम लोग आएंगे। तो भाई ये चेक करें, वहाँ से हम लोग को सनराइज दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और इधर बहुत ज़्यादा ही खौफनाक है, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा, 5:20 हो रहा है। जितना सामने आते जाओ उतना डेडली। यार अलग ही एडवेंचर है भाई, यहाँ भाई सनराइज मिस नहीं करते, मतलब कर नहीं सकते। थोड़ी मेहनत, थोड़ी तकल्लफ, थोड़ी परेशानियाँ, उसके बाद ये नजारे। ओह गॉड। तो आज हमने खोज की है एक हेवन ही के दो पहाड़ आगे। तो इस जगह पे शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यहाँ पे गांव वाले साथ ज्यादा आया करते थे। और तेरी भाई वहां से गाड़ी चढ़ेगा ना, अब हम लोग पागल है उतना उधर से आते हैं, कितना सेक्सी मजा आएगा यहाँ पे चढ़ाने में। हल्का हल्का सनराइज हो गया और सन की तलाश में हम खाई के कितने पास आ गए, ये देखो। बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। जो यहाँ सुकून है ना भाई साहब, शायद कहीं पे होगा, सबका अपना अपना है, लेकिन मेरा तो हर एक सुबह शायद ऐसे ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो भाई यहाँ से भी निकलते हैं। ये देखें हमारा मुकुट यहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है।
सुबह सुबह ऐसी हवा को महसूस करना। काश हिमालयन इतनी कैपेबल होती तो हमारे साथ पहाड़ों के ऊपर इन वादियों का भी मजा ले रही होती। कुछ वक्त दो, ऐसी कोई तो आएगी जो मेरे साथ हर जगह जाएगी। आए थे उधर से, जाएंगे अब इस नए रास्ते से। नए रास्ते ही आपको दुनिया से अलग बनाती है। ये देखो हिमालयन तो आई नहीं यहाँ और आ गई बांस की लाली। ये लाल पीली वाले लंडे बड़े खतरनाक होते हैं, देख रहे हो, लाल गाड़ी पीला टी शर्ट। तो हमारी वाली ये खड़ी है। काफ़ी थक जाने के बाद हम यहाँ पहुँची है। बहुत मिस किया रहे तेरे को। अब चलते हैं अपने भाई लोग के पास। तो ऑल पैक गाइस, पूरा सेट हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। अब इस हेवन को छोड़ने का वक्त हो चुका है, फिर चलते हैं इस जालिम दुनिया में। और एमटी का एक जोश टूट गया है, अब पता चलेगा कितना डेडली प्लेस है। चलो चल मान साहब। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलेंगे इसके दूसरे एपिसोड पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन है उसको भी दबा लें, क्योंकि ऐसे बारी बारी खतरनाक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। रात को करीबन सब लेट से खा के सो जाते हैं और सबको उठते उठते शायद भूख लगे, लेके जाते हैं। अगर किसी को खाना हो तो कमेंट करके बताना। अगर किसी को खाना तो कमेंट करके बताना, वो लोग खिला लेंगे फिर बचा के रख देंगे। इट्स कॉल्ड पॉन्ड, इट्स कॉल्ड कॉन्ड।